दर्शन की 30वीं कक्षा, योग दर्शन के प्रथम पाठ समाधि पाठ के 30वें सूत्र तक पीछे पाठ देखा था। पीछे में से किन्हीं को और कुछ पूछना है बोलिए। ओम, सूत्र संख्या 30, व्याधिस्त्यान संशय। इस सूत्र में ये जो स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, तो चित्त की अकर्मण्यता, और दूसरा आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति, तो अकर्मण्यता और चित्त की अप्रवृत्ति, दोनों में कैसे भेद करेंगे? इसमें तो आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति, गुरुत्व के कारण से अप्रवृत्ति है। स्त्यान को हम पीछे से देखेंगे, उससे हमें कुछ समझने में सहायता मिलेगी। जहाँ अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, स्त्यानम में मना भ्रमति अनवस्थितम इव तिष्ठति इत्यादि जो वो कथन कहे हैं, वो राजसिक निद्रा के संदर्भ में कहे हैं। ठीक है, तामसिक में तो घोरम मूढ़म अहम अस्वाप्सम अलसम इव मतलब चुराया हुआ है, उषितम इव तिष्ठति इति, किसी ने चुरा लिया है, मूढ़ है, ऐसा वहां पर वर्णन है। तो वो स्त्यान शब्द राजसिक निद्रा के संदर्भ में आया है। ठीक है, ये जो गुरुणी च मे गात्राणी या गुरुत्वाद अप्रवृत्ति है, गुरुत्वाद अप्रवृत्ति ये तमोगुण के कारण से है। स्त्यान में जो अकर्मण्यता है ये रजोगुण की चंचलता के कारण से। रजोगुण वैसे सक्रिय करता है लेकिन अव्यवस्थित हो, अनियंत्रित हो, तो वो अकर्मण्यता को ले आएगा। जैसे किसी को पढ़ाई करनी है ना, वो एकाग्र नहीं हो रहा है, मन चंचल है, इधर उधर काम करने को मन नहीं करेगा, इधर उधर भटक रहा है। अन्य कोई कार्य करना है, भोजन बनाना है, सफाई करनी है, छोटे मोटे जो भी कार्य करने, ये साधना से संबंधित भी बातें हो सकती हैं, तो एकाग्र ना हो पाना, चंचलता होना, अस्थिरता होना, इसके कारण से यहाँ पर अकर्मण्यता अलग तरह की है। ये तो वो तामसिक आलस्य वाली अलग है और अकर्मण्यता ये अलग ढंग से मानी गई। दोनों में अंतर हमें समझना चाहिए। और कुछ? हाँ जी, इसी में ही ये जो अकर्मण्यता कहते हैं, तो कर्मण्यता अकर्मण्यता, तो ये अकर्मण्यता शाब्दिक क्या अर्थ करेंगे? कर्मठता का अभाव, क्रियाशील, क्रिया करने का। कर्मण्यता वो होती है कि कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, उसमें स्वभाव होता है, वो लगा रहता है उसमें। ठीक है, किसी भी कार्य में ये तो है कर्मण्य, उसका भाव हो गया कर्मण्यता। ऐसा ना लगा रहना, कुछ कर्म कर रहा है लेकिन लगा लग करके करे, बार बार करे, ये उसमें नहीं हो पाता है। और ये चंचलता के कारण से होता है कि कभी कुछ कार्य थोड़ा सा शुरू किया और फिर छोड़ देगा, यानी वो कर नहीं पा रहा है। एक दृष्टि से कहें तो किया है थोड़ा सा लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो नहीं कर रहा है, यही तात्पर्य आएगा। ये कुछ भी काम नहीं करता है, ये शुरू किया थोड़े दिन करके फिर छोड़ देता है, फिर ये किया फिर वो छोड़ देता है। उस रूप में भी किसी कार्य को बार बार करना और लग करके करना, पूरा करना, ये तो कर्मण्यता में आएगा। और अकर्मण्यता के अंदर वो नहीं कर पाता है। और रजोगुण की चंचलता तो साथ में जोड़नी ही पड़ेगी, इससे इधर हो गया, भटक ज्यादा रहा है इधर उधर, इसके कारण से अकर्मण्यता है उसकी। दूसरी दूसरी बातें आ जाती हैं, दूसरे दूसरे लक्ष्य बन जाते हैं कि ये करूंगा, चलो तो इधर से मन उछट जाएगा, दूसरे वो करेगा ही नहीं उसको, दूसरी इधर उधर, उस तरह का भाव इसमें ले सकते हैं। आचार्य जी, व्याकरण में आता है जैसे कि सामसु साधु सामान्य बोलते हैं, उसी प्रकार से यदि करें कि कर्म में जो कुशल है वो कर्मण्य और उसका भाव कर्मण्यता और अकर्मण्यता, तो मतलब अच्छी तरह है कर्म नहीं कर पाना, तो क्या करेगा वो, उसमें अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, उसको व्याख्या करो आप।
कर्म को अच्छी तरह साधु नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है, तो क्या नहीं हो, क्या कैसे कर रहा है वो बताओ थोड़ा बोल के, इससे बोलो, माइक में बोलो, अव्यवस्थित ढंग से कर रहा है, क्या कुशलता अव्यवस्थित नहीं है है, कर्म में, क्या जैसे अव्यवस्थित ढंग से कर रहा है, कुछ थोड़ा इसको कर रहा है, थोड़ा उसको कर रहा है, थोड़ा तो उसको। वही बात आ गई, वही बोल दिया आपने भी, फिर ये करने लगेगा, फिर ये करने लगेगा, ठीक तरह क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका कारण क्या हो रहा है, जानता नहीं है इसलिए, चंचलता है इसलिए, तो इसमें रजोगुण को तो साथ में लेना ही पड़ेगा, ये हमें पीछे से जो निद्रा वाला जो था उसमें उस समय पता लग रहा है कि ये राजसिक स्थिति में है कुछ, और राजसिक स्थिति में कैसे अकर्मण्यता होती है, उसका स्वरूप ऐसा ही बनता हुआ प्रतीत होता है, उस रूप में अकर्मण्यता है, तो साधुत्व नहीं है, किसी काम को शुरू किया ढंग से नहीं किया चला गया, तो यही तो ये असाधुत्व के अंतर्गत आएगा ना, कर्म का असाधुत्व, ठीक तरह नहीं हो रहा, कुशलता से नहीं कर पा रहे, कर्मण्यता नहीं है। इसमें जो गुरुत्वात् अप्रवृत्ति ही, तो जैसे शरीर में गुरुता की प्रतीति हो रही है, तो गुरुता का मतलब भार होता है। भारीपन, हाँ हाँ जी, तो अगर किसी में तमोगुण बढ़ा हुआ है तो उसका वजन थोड़ा बढ़ेगा या कैसे? नहीं बढ़ेगा, भार तो शरीर का वैसा ही रहेगा, भारी अनुभूति होती है शरीर के अंदर, वो भारी कैसे अनुभूति होती है कि उसको पैर उठाना है चलना है, तो वो यूं लगेगा जैसे पैर उठ नहीं रहे हैं, पैर को जबरदस्ती उठा के रखना पड़ रहा है भार को, और चुस्त दुरुस्त होते हैं तो पैर को उठा के रखने में कुछ भी नहीं होता, बड़ा हल्का सा रखता है, जैसे हिरण होता है हल्का फुल्का, कैसे फुदकता हुआ चलता है और पैरों को कितनी चपलता से रखता है, हल्का फुल्का पैर होता है, ऐसे एक होता है पैर घिसटता हुआ चलेगा, भारी भारी लगेगा, अनुभूति के भार बढ़ेगा नहीं वो, हाँ तमोगुण की अधिकता होने से भार बढ़ सकता है, वो एक अलग प्रक्रिया होगी, लेकिन ये भार बढ़ना जब जब हमें हो रहा है तब तब भार बढ़ेगा ऐसा नहीं है ये, क्योंकि वो तो हमको एक ही दिन में भी गुरुत्व लग सकता है, एक ही दिन में, जबकि भार तो उतना ही है हमारा, एक दिन में कोई कई किलो भार थोड़ा ना बढ़ गया, लेकिन लगेगा ऐसा हाथ पैरों में जैसे कई गुना भार बढ़ गया है, जैसे भार बढ़ने पर पैर उठाने में चलने में कठिनाई आती है, बोझ जैसा लगता है, ऐसा उसको बिना भार बढ़े भी बोझ जैसा लगता है, भारी भारी सा लगता है, खासतौर से सुबह उठने के बाद में, दिन में फिर सक्रिय हो जाते हैं, फिर तो रजोगुण सक्रिय हो जाता है, रात्रि में तमोगुण बढ़ा हुआ है और अधिक भोजन है या तमोगुणी प्रवृत्ति है, नींद ठीक नहीं जो भी है, तो अब वो सुबह सुबह उठता है तो उसको बहुत भारीपन लगता है, नींद से जब उठते हैं उठने से ही पता लग जाता है कि कैसी स्थिति है, किसी को उठाएं अब एक तो एकदम चुस्ती से उठ जाता है, एकदम उठ जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, एक बिल्कुल धीरे धीरे उठता है, हाथ का सहारा लेगा, ये करेगा, सिर को उठाएगा, फिर यूं उठेगा, तो लगता है ना जैसे कि बहुत भारी शरीर को वो उठा रहा है अपने, भार तो उतना ही है, अनुभूति ऐसी होती है, जकड़ाहट होती है, लिपटा हुआ जैसा लगता है, ये गुरुपना गुरुत्व ऐसा अनुभूति के अंदर है गुरुत्व, ठीक है, चले आगे देखिए, तो 30वें सूत्र में 9 अंतराय बताए गए थे, योग के प्रतिपक्ष हैं, योग मल हैं, योग के बाधक हैं, अंतराय हैं, जब ये 9 होते हैं तो साथ में कुछ और भी प्रभाव आते हैं, इनके साथ साथ कुछ चीजें और होती हैं, गाय को खरीदा है तो बच्चा तो साथ, बच्चा बच्चिया साथ में आती है, उसके साथ में कुछ चीजें आ जाती है ना, तो इनके साथ में और क्या-क्या चीजें आ जाती हैं, पार्श्व प्रभाव के रूप में, सहायक के रूप, साथ में आएंगी ही, जो ये ले हो तो ऊपर से ये बोनस तो आप मिलना ही है, ये वो अतिरिक्त चीज जो है ऑफर होते हैं आजकल, ये फ्री में जो ये लोगे तो ये तो साथ में आएगा, तो जो इसके इन 9 अंतरायों के साथ साथ में चीजें आती हैं वो अगले सूत्र में बताई है, 31वें सूत्र में कहा दुख,
दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। ये जो चीजें बताई ये विक्षेप सह भुवः, विक्षेप के साथ साथ होने वाले होते हैं। विक्षेप कौन से, जो पीछे बताए थे अभी, नौ, इनके साथ साथ ये चीजें भी मिलेंगी। कौन कौन सी? उसमें सबसे तो पहले कहा दुख, दुख आएगा ना, व्याधि आई है तो दुख आएगा ही, आलस्य रहेगा तब भी दुख आएगा, या सुख आता है आलस्य के साथ में, सुख लगता है उस समय तो सुख लगता है, और बाद में उस समय भी लगेगा, काम करना है, इच्छा करनी रही है, भारीपन है, लोग कह रहे हैं ये काम करो वो करो, उसकी इच्छा ही नहीं हो रही है, एक दिन हो गया दो दिन हो गया बोले ये काम नहीं हुआ, बिगड़ता जा रहा है, पेनल्टी लगती जा रही है, अधिक अधिक कुछ होता जा रहा है तो काम बिगड़ने लगते हैं, और फिर अधिक पैसा दे करके काम कराओ, ये दंड भरो इत्यादि सारी चीजें होती है, तो इच्छा नहीं कर रही है और लग रहा है काम बिगड़ रहा है, तो दुख वहां पर भी आ जाएगा। तो दुख इनके साथ में जुड़ा रहेगा, व्याधि स्थान संशय प्रमाद, संशय में भी दुख रहता है, कुछ तो रहता ही है ना कि भाई ये निर्णय नहीं हो रहा है, जब जिनको आवश्यकता नहीं है निर्णय की वो तो संशय भी होना ना होना उनके लिए बराबर है, लेकिन संशय है इस रास्ते से जाए इस रास्ते से जाए और पता नहीं लग रहा है, एक मिनट पता नहीं लगा, चलो उसमें भी कष्ट तो होता है थोड़ा, एक मिनट के लिए भी थोड़ा, लेकिन वो कम होता है, वो एक मिनट से आप बढ़ाते जाओ, दो पांच दस, दस मिनट हो गए यही नहीं पता लग रहा है इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, और समय खींच गया, दुख बढ़ता जाएगा, अब पता लगता है कि हाँ इससे कष्ट हो रहा है, संशय से भी कष्ट होता है, तो इन सबसे उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है उससे भी कष्ट होता है, दुख होता है, समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है, वर्षों हो गए समाधि में टिक नहीं पा रहे हैं, तो दुख अपने आप आ जाता है, दुखी होते हैं, बहुत जल्दी सोचा ये ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, नहीं होता है, दुख आने लग जाता है, तो दुख साथ में आएगा ही, ये स्थितियां हैं तो दुख तो आएगा ही। दूसरा दौर्मनस्य, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन का जो इस भाव है मन की स्थिति है वो खराब हो जाएगी, ये दुख से थोड़ी अलग चीज बताई है भाष्यकार बताएंगे, एक तरह का क्षोभ मन में आ जाता है, एक होता है दुख वो तो तीव्र होता है पता लगता है कि दुख है, एक ऐसी स्थिति होती है कि दुख नहीं लग रहा है, वो पीड़ा नहीं हो रही है लेकिन असहज स्थिति लग रही है, क्षोभ हो गया है, बेचैनी है, वो दौर्मनस्य। तीसरा कहा अंग में जयत्व, अंगों का कांपना, चल चलाए मन होना अनिच्छापूर्वक, एक होता है इच्छापूर्वक और व्यवस्थित ढंग से हम ये करना चाहते हैं वहां वहां गति करते हैं, ये कोई दोष नहीं है, लेकिन अनिच्छापूर्वक हो रहा है, हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, अनुचित ढंग से हो रहा है, उसको अंग में जयत्व में लेंगे, हाथ पैरों का कांपना, हाथ पैरों का कांपना भी हो सकता है, जीभ का कांपना हो सकता है, होठ का कांपना हो सकता है, आंख का कांपना हो सकता है, कई जगह हो सकता है कंपन होता है, और श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, तो श्वास तो जो हम अंदर लेते हैं और प्रश्वास जो बाहर छोड़ते हैं, ये भी वहां पर होगा। अब ये श्वास प्रश्वास है इससे तो सभी लेते हैं, जब विक्षेप नहीं होते हैं तब भी तो श्वास प्रश्वास चल रहा होता है, लेकिन यहां लिखा है कि श्वास प्रश्वास भी विक्षेप के साथ साथ होगा, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इनका क्या मान्यता हुई? जिस जिसका श्वास प्रश्वास चल रहा है इसका मतलब है उसमें विक्षेप है, ठीक है, और विक्षेप है तो योग नहीं है, योग का प्रतिपक्ष है, और उल्टा करेंगे तो जिसने योग साध लिया है उसके विक्षेप हट गए हैं, और विक्षेप हट गए हैं तो श्वास प्रश्वास भी रुक गया है, उसका श्वास श्वास नहीं चलेगा, ऐसा मोटे तौर पे हम ले सकते हैं, ठीक नहीं है ये,
सीधे सीधे शब्दों से जो लेंगे, तो अब इससे हम मतलब समझेंगे। ऐसी भाषा जब आ जाती है तो क्या है, ये सामान्य श्वास प्रश्वास की बात नहीं है, ये तीव्र श्वास प्रश्वास की बात है। श्वास प्रश्वास हो गया, हम सामान्य स्थिति में सांस लेते रहते हैं तब ये थोड़ा ना कहते हैं कि सांस ले रहे हैं, कहना हो तो कह देते हैं, लेकिन विशेष तब कहते हैं जब अधिक सांस चढ़ जाते हैं, तो बोले इसके सांस चढ़ गया है, सांस ले रहा है वो। तेज जब लेता है, अधिक जब लेता है, तब हम कहते हैं कि तो सांस वाली बात है। उस स्थिति के लिए श्वास प्रश्वास बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है। यही बात बाकी चीजों में भी लगानी चाहिए। अब अंग में जयत्व है, अब यूं अंगों का चलना वो तो सामान्य अवस्था में भी होता है, जीवन मुक्त भी चलेगा फिरेगा तो शरीर तो चलेगा ही, वो क्रियाएं तो होंगी, उसका ग्रहण नहीं है यहां पर। फिर कई जने कहते हैं कि अंग में जयत्व मतलब कंपन रोग होता है, गात्र कंप होता है, शरीर कांपता है, जैसे लिखते समय भी होता है ना, थोड़ा थोड़ा कांपता रहता है कईयों का। फिर कई जने दूसरे हाथ से पकड़ते हैं तो थोड़ा लिख पाते हैं, लिखावट में भी वो लिखने में भी टेढ़ा मेढ़ा सा थोड़ा आता है, वृद्धावस्था में होने लगता है, कईयों का काफी कांपता है, वो पैर पकड़ ही नहीं पाते, लेखनी भी पकड़े तो पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसी भी स्थिति हो जाती है, कांपता रहता है, हाथ पैर भी कांपते रहते हैं, हिलते रहते हैं, काफी तेज हो जाता है, कंपवात बोलते हैं आयुर्वेद में उसको, कंपवात नाम से बोलते हैं, यूं यूं हिलता रहेगा वो। कम भी होता है, ज्यादा होता है वो, बहुत ज्यादा हो गया, और कुछ कुछ का होता है हाथ का, वैसे नहीं लगेगा कि कांप रहा है, लेकिन पकड़ के लिखने लगेंगे तो कांपता हुआ हमें पता लग जाता है, तो बोले कंपवात है। नहीं, कंपवात की भी बात नहीं है, क्योंकि यदि कंपवात है वो तो विक्षोभों में आ ही चुका है, कहां आ चुका है, वो तो व्याधि में आ चुका है, ये कुछ और होना चाहिए ना। अगर हम ये कंपवात रोग ही लें यहां पर तो वो तो पीछे व्याधि में आ चुका है, उसको अलग से यहां कहने की क्या जरूरत थी। इसी तरह से श्वास प्रश्वास का, सामान्य श्वास प्रश्वास तो चल ही रहा है, उसका तो मैंने स्पष्ट किया ही, कई जने इस श्वास प्रश्वास से अर्थ लेते हैं सांस किस रोग में बढ़ जाता है, आयुर्वेद में तो उसको श्वास रोगी बोलते हैं, जिसको दमा बोल देते हैं, एस्मा अस्थमा इस नाम से जो आजकल बोलते हैं, तो सांस फूल जाता है, चलने फिरने व्यायाम में बैठे बैठे भी सांस नहीं लिया जाता है, खांसी होती है इत्यादि, ये जो रोग है दमा रोग है, इसको सांस फूलने की बीमारी बोल देते हैं, इसको कई जने इस सूत्र के अर्थ से ग्रहण करते हैं, वो भी यहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो व्याधि में आ ही चुका है, ये कुछ और चीज है, ये विक्षेप के साथ में होने वाली है, ये विक्षेप नहीं बताए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास ये दोनों चीजें रोग से अतिरिक्त कुछ होनी चाहिए, रोग तो नहीं होनी चाहिए, उसका ग्रहण नहीं हो सकता है यहां पर। दुख दौर्मन से अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास, ना तो सामान्य श्वास है ना रोग है, लेकिन बढ़ा हुआ श्वास तो मानना पड़ेगा, और अंग में जाए तो भी सामान्य चलना फिरना नहीं, कुछ ना कुछ तो विशेष हो रहा है, ये कब होता है। अब जब इसको एक मोटा उदाहरण ले लें कि जब गुस्सा आता है तब क्या होता है, गुस्से में कुछ हाथ पैर कांपने लग सकते, अगर गुस्सा अधिक हो तब तो एकदम पता लग जाता, एकदम पकड़ में आएगा, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं गुस्से में, कई बार दिखता है एक बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, या तो थोड़े थोड़े कांपने लगते हैं, खुद को पता लगता है कि मेरे पैर व्यवस्थित नहीं है, हाथ व्यवस्थित नहीं है, जिह्वा भी कांपने लग जाती है, कंपन होने लग जाएगा मांसपेशियों में और मुट्ठियों में हो जाएगा, कांपने लग जाएगा व्यक्ति, ये अंग में जयत्व की बात है, क्योंकि जब वहां विक्षेप हुआ है उसका एक दुष्परिणाम शरीर की असहज गतिविधियों पे आएगा, क्रियाओं पे आएगा, ये उस तरह का ये अंग में जयत्व है, रोग वाला वात कंप नहीं है, कंप वात नहीं है। इन विशेष स्थितियों में जब दुख होता है, दौर्मन से बहुत दुखी हो, क्षुब्ध हो, बेचैन हो, ऐसे में श्वास भी बढ़ जाता है, वो श्वास प्रश्वास है यहां पर, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जो ये अवस्थाएं हैं, विकार की अवस्थाएं, इसमें श्वास प्रश्वास सामान्य नहीं रहता है, वो बढ़ जाता है, ये साथ साथ में आएगा, जब विक्षेप होंगे दुखी होगा श्वास प्रश्वास पे प्रभाव आ जाएगा, शरीर के कंपन पे आ जाएगा, दुख आ सकता है, दौर्मनस्य आ सकता है,
इस चारों आए सदा, ये तात्पर्य नहीं है, इनमें से किसी भी रूप में आ सकता है, दुख हो, हस्तकंपना हो सकता है, संभव है। तो यहां ऐसी विक्षेप के होने पर क्या क्या हो सकता है उसके लिए देखना है। भाष्य देखिए, तो दुख को खोला इन्होंने कि दुख क्या होता है। तो दुख का सामान्य एक लक्षण जैसे तीन प्रकार बताते हैं, दुखम आध्यात्मिकम, आधि भौतिकम, आधि दैविकम च। आध्यात्मिक दुख होते हैं, हमारे अपने से संबंधित होते हैं, शरीर इंद्रियों से संबंधित, अपने अपने स्वयं का हम कारण होते हैं। आधि भौतिक, अन्य प्राणियों से जो दुख प्राप्त होते हैं वो निमित्त से। आधि दैविक, तो प्रकृति और वृष्टि और अतिवृष्टि और सूर्य वायु इन अग्नि इन सबसे बाहर से, और इंद्रियों को भी देव कहते हैं, मन को भी देव कहते हैं, उनको भी ग्रहण करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इनसे जो दुख आते हैं। ये तीन प्रकार के दुख होते हैं। यहां पर जो दुख आने की बात है कि विक्षेप जिस समय होते हैं तो हमें दुख आने लग जाते हैं, तो एक तो आध्यात्मिक दुख तो हो ही सकता है, आधिदैविक में इंद्रियों का भी हो सकता है साथ में, और आधि भौतिक के अंदर लेंगे कि जब हमारी ये स्थितियां बनती हैं, हमारा व्यवहार दूसरों से ठीक नहीं होता है, हम मान लो बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो दूसरे को सहन नहीं हो पाता, एक सीमा आ जाती है, वो कुछ कष्ट दे सकता है हमारे को इत्यादि, उन स्थितियों में भी कुछ हो सकता है। यहां जो ये तीन प्रकार बताए, ये दुख के बस एक प्रकार बता दिए, ये सारे के सारे विक्षेप के होने पर आते हों ऐसा यहां तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि विक्षेप हुआ है और ये तीनों दुख आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका कोई कोई भाग कभी कभी कुछ कुछ आ सकता है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी हमारे प्रति, उस तरह के दुख आने लग जाएंगे। तो ये तीन प्रकार के दुख हुए, और दुख क्या कहते हैं, दुख की परिभाषा जो दी है इन्होंने वो अब आगे कह रहे हैं, ये न अभिहता प्राणी न तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्दुःखम्। जिससे अभिहत हुए, प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, क्षीणता को प्राप्त हुए मनुष्य, ताड़ित हुए मनुष्य, उसके उपघात के लिए, वो जो दुख का कारण है उसके नाश के लिए प्रयत्न करते हैं, तत्दुखम, वो दुख कहलाता है। जिससे प्रताड़ित या पीड़ित होकर के प्राणी लोग उसके उस कारण के नाश के लिए प्रयत्न करते हैं वो दुख कहलाता है। प्रयत्न करते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, दुख को दूर कर पाए ना कर पाए, दुख के कारण को हटा पाए ना हटा पाए, लेकिन प्रयत्न करते हैं, विचार भी एक प्रयत्न में आ जाता है, नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, हटे किसी तरह से। तो जिसके प्रति हमारे मन में ये भाव आता है, इसका मतलब है उसके होने से हमें दुख हो रहा है, कुछ ना कुछ दुख हो रहा है, तो वो जो अनुभूति है इसे दुख कहा गया। ये न अभिहता प्राणी न तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्दुःखम्। दुख को हटाने का हम प्रयास करते हैं, ये सबका स्वभाव है। अगला दौर्मनस्य, तो दौर्मनस्यम इच्छा विघाता चेतसः क्षोभः। इच्छा के पूर्ण न होने पर जो मन में चित्त में एक क्षोभ हो जाता है, उद्विग्नता आ जाती है, चंचलता आ जाती है, उथल पुथल मच जाती है, इसको दौर्मनस्य कहा है। दुख से अलग है ये चंचलता, ये क्षोभ दुख जैसा भी प्रतीत होगा कि कुछ कष्ट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी है, अच्छा तो वो भी नहीं लगेगा, लेकिन दुख की अनुभूति से ये भिन्न है। बेचैनी लग रही है, अनइजीनेस लग रहा है, चंचलता ज्यादा है, दुख की अपेक्षा ये हल्का माना जा सकता है अपेक्षा से, तो दुख होगा और ये दौर्मनस्य। तो जो चित्त का क्षोभ है उसको चंचलता है, उसको दौर्मनस्य के नाम से कहा गया। तीसरा अंगमेजयत, तो यत अंगानी एजयति कंपयति, जो अंगों को चलाता है, एजयति को ही खोला इन्होंने, कंपयति तदंगमेजयत्वम, उसको अंगमेजयत्व कहा गया है। तो ये जिस संदर्भ में मैं आपको बोल रहा था, विशेष स्थितियों में जो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं उसका यहां पर ग्रहण करना चाहिए। श्वास, श्वास को कहने प्राणो यत, प्राणो पाठ है, प्राणी भी इसका पाठ भेद मिलता है, प्राणी यद बाह्यम वाचुम वायुम आचामति, बाहर की वायु को का जो आचमन करता है, अंदर लेता है, सश्वास उसे श्वास कहते हैं।
अंदर लेने को, और प्रश्वास यत कौष्ठ्यम वायुम निस्सा रहती, सब प्रश्वास है, कोष्ठ की वायु को जो बाहर निकाल देता है उसको प्रश्वास कहते हैं। कोष्ठ, कोष्ठ कोठे, कोठा होता है ना, कोठार बोलते हैं, कोठा बोलते हैं, कोष्ठ बोलते हैं, भंडार होता है जो कोठे होते हैं जहां चीजें, कोई ऐसी चीज प्रकोष्ठ, कोई चीज जहां कुछ रखी जा सकती है, खाली जगह कुछ घिरा हुआ है उसको कोष्ठ बोलते हैं। तो कोष्ठ, शरीर में कई कोष्ठ हैं, आयुर्वेद में इस तरह से भी व्याख्या है। तो फेफड़े हैं ये भी कोष्ठ हैं, एक कोष्ठ इधर एक दाई तरफ बाई तरफ, उसको वायु कोष्ठ भी बोल देते हैं अंदर, क्योंकि कोठड़ी जैसी होती है उसके अंदर हवा रहती है, भरा रहता है, घेरा रहता है, उसको भी कोष्ठ के रूप में कहा जाता है। आमाशय है ये भी एक कोष्ठ है, आते हैं मलाशय है ये भी कोष्ठ है, मूत्राशय है ये भी कोष्ठ है, ये सारे कोष्ठ कहलाते हैं, कोठे कहलाते हैं। आयुर्वेद में कोष्ठ शब्द बहुत बोलता है, कोष्ठबद्धता सुना, तो मलाशय वो भी एक कोष्ठ है। औषधियां देते हैं तो उसमें रोगी को भेद किए जाते हैं कि रोगी कैसा है, किसी को थोड़ी औषधि देते हैं तो भी मल शुद्धि हो जाती है, किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी को थोड़ी दवाई दी तो बहुत दस्त हो जाते हैं थोड़ी दवाई से, तो उसके लिए वहां नाम देते हैं कोष्ठ के लिए, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ शब्द चले होता है। तो वैद्य जो चिकित्सा करता है तो परीक्षा करता है रोगी की, तो उसके कोष्ठ की भी परीक्षा की जाती है, तो ये व्यक्ति कैसा है, क्रूर कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है या मृदु कोष्ठ है, उसके अनुसार दवाई दी जाती है। सबको एक जैसा पेट शुद्धि की दवाई नहीं दी जाती, तो वो कोष्ठ, यहां कोष्ठ का मतलब ये फेफड़े, प्रसंग से श्वास से संबंधित है, तो फेफड़ों से जो बाहर निकलती है उसको प्रश्वास कहते हैं। एते विक्षेप सहभुवः, विक्षेप के साथ साथ होते हैं, सहभुवः इसके साथ साथ चलते हैं, होते हैं। आगे लिखा, इसी को खोलते हैं, विक्षिप्त चित्त से एते न भवंती, विक्षिप्त चित्त में नहीं, विक्षिप्त चित्त से एते भवंती, विक्षिप्त चित्त वाले में ये होते हैं, विक्षिप्त चित्त वाले में होते हैं। समाहित चित्त से एते न भवंती, जिससे समाहित चित्त हो गया, समाधि लग गई है, उसमें ये नहीं होते हैं। अब सीधी सीधी पंक्तियों को ले लेंगे तो कोई व्यक्ति इससे कसौटी निकाल सकता है, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, जो जो भी श्वास प्रश्वास ले रहा है वो समाहित चित्त नहीं है। जो समाहित चित्त हो जाता है उसका श्वास प्रश्वास रुक जाता है, पूर्णतः बंद हो जाता है, ऐसा तात्पर्य कोई ले सकता है इससे, लेकिन ये अप्रासंगिक होगा, व्यवहारिक नहीं है। पंक्तियों से कोई लेना चाहे ले सकता है, लेकिन ये इसका अर्थ है नहीं, अप्रासंगिक है। तात्पर्य वही है जो आपके सामने पहले रखा, कि उसका ऐसा ऊंचा नीचा नहीं होता है श्वास, और थोड़ा भी दुख होता है, बेचैनी होती है, भय होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वास बढ़ जाता है, वो शरीर अपने को तैयार करता है उस स्थिति के लिए। भय है पता है, तो भय की स्थिति में हमारे को भागना भी पड़ सकता है, तो भागने से पहले थोड़ा शरीर गर्म भी तो होना चाहिए, ऐसे ही थोड़ा भाग जाएगा, गाड़ी चलाई है तो थोड़ी देर स्टार्ट करके चालू करके गर्म भी तो होनी चाहिए, नहीं तो चलाते ही एकदम तेजी से थोड़ा ना जाएगी। तो जब भय की स्थिति आती है, संशय की स्थिति आती है, तो उस समय शरीर को तैयार किया जाता है। तो तैयार कैसे होता है, तो इंजन को थोड़ा तेज कर देते हैं, तो हृदय धड़कने लग जाता है, ज्यादा रक्त प्रवाह ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है, ऊर्जा ज्यादा बनती है, गर्मी की हार्मोन ऐसे निकलने लगते हैं कि तेजी से भाग सकते हैं अचानक, ऐसा। तो ये तो हमारी सज्जा है, श्वास भी बढ़ जाता है, जब भागना है तेजी से बस एकदम से जाना है तो सब सारी तैयारी के रूप में होता है। तो जब भी भय इत्यादि आशंकाएं दुख होती हैं तो श्वास प्रश्वास बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी आदमी की, ये विक्षेपों के साथ साथ में होते हैं, ठीक है। तो विक्षेप बताया, विक्षेपों को हटाने का क्या उपाय है, वैसे तो पहले बता चुके थे, तथा प्रत्यक्ष चेतनादिगमो अप्यंतराया भावश्च, ईश्वर प्रणिधान या तो तज्जपस तदर्थ भावनम, उससे विक्षेपों का नाश हो जाता है।
अंतरायों का अभाव हो जाता है, अंतराय विक्षेप ही है, वो हट सकते हैं, वहां तो था ही, अब फिर ये विक्षेप बता करके अब और उपाय बता रहे हैं। एक तो 32वां सूत्र, उसकी भूमिका, अथैते विक्षेपा समाधि प्रतिपक्षा। ये विक्षेप कैसे हैं? समाधि के विरोधी हैं, प्रतिपक्ष हैं। ये एक नया नाम दिया है, योगमलाह, योग प्रतिपक्ष, अंतराय, तो इस तरह समाधि प्रतिपक्ष। ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्या, इनका रोक कैसे रोका जाएगा? उन्हीं अभ्यास और वैराग्य से। पीछे वृत्ति निरोध के लिए क्या कहा था? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, तो अभ्यास और वैराग्य से ही इनको रोका जाता है, विक्षेपों को भी। तो तत्र अभ्यास से विषय उपसंहरण इदम आह, अभ्यास के विषय को समाप्त करते हुए, एक उपसंहार करते हुए अंत में थोड़ी सी चीज और बताते हुए ये सूत्र आगे लिखा गया है। यानी ये अभ्यास के अंतर्गत है, पीछे जो बताया गया उसके अंतर्गत एक चीज और बताई जा रही है। तो 32वां सूत्र, सूत्र है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, उसके प्रतिषेध के लिए, वृत्तियों के रोकने के लिए, विक्षेप को रोकने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास शब्द आया ही है इसमें, किसका अभ्यास करना है? एक तत्व का। कौन है वो एक तत्व? तो उसके लिए अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है। एक तत्व मतलब परमात्मा का, ईश्वर का, उसका अभ्यास करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, ये एक उपाय है। दूसरा कि जो जो चीज एक ही होती है उसका ध्यान करना, जो एक ही होती है उसका ध्यान करना। तो एक कौन है? एक तो परमात्मा तो आ ही गया, और कौन है? एक जीवात्मा एक है? नहीं, जीवात्मा कितनी है? एक तत्व है, एक ही हो जो। उसके लिए कुछ लोग यहां पर एक तत्व से आकाश का भी ग्रहण करते हैं, आकाश एक तत्व का, तो ईश्वर को ले लेते हैं और आकाश को ले लेते हैं। तीसरा इसका एक और अर्थ है कि किसी एक चीज पर टिक जाए। तत्व बहुत सारे हैं, वो बहुत हो सकता है, मान लो आत्मा पर टिकना है तो बस एक आत्मा पर टिक गया अपने पे, ये भी एक तत्व हो गया। कहीं एकाग्र हो जाए, किसी एक वस्तु पर एकाग्र हो जाए, उसको एक तत्व। वो ईश्वर के अतिरिक्त भी कोई चीज हो सकती है, एक ही पे टिक जाए, ये भी इस सूत्र का अर्थ लिया जाता है। तो विक्षेपों को हटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करें, वो कोई भी चीज ले सकते हैं। कई लोग जो त्रटक आदि करते हैं, अन्य चीजों पे आंखों को नेत्रों को टिकाते हैं, वो एक विषय पर टिकाते हैं, मन श्वास पे टिकाते हैं केवल, अंदर के विचार पे टिकाते हैं, बाहर की किसी वस्तु पे टिकाते हैं, ये सारा उस ढंग से भी लिया जा सकता है कि किसी एक जगह टिका देता है। लेकिन टिकना चाहिए, और टिकाया इसका मतलब है दूसरी चीजों से हटेगा, दूसरी चीजों से हटेगा तो उसका मन उस तरह से जो दूसरी चीजों के कारण से क्षुब्ध हो रहा था, दुखी हो रहा था, वहां से हट जाएगा, उस रूप में ये लाभदायक है। और बाकी इसका सबसे अच्छा और ऊंचा अर्थ तो परमात्मा है, कि परमात्मा का अभ्यास करें, उसका चिंतन करें, इन सब चीजों में परमात्मा पे छोड़ देते हैं। कोई समाधि लगी या नहीं लगी, रुक पा रही है नहीं रुक पा रही है, अपना प्रयत्न करते हुए भी ईश्वर पे छोड़ दिया जाता है, ईश्वर का चिंतन किया जाता है। ठीक है, जब यथा समय आएगा हो जाएगा, मैं अपना प्रयत्न कर रहा हूं तो अब चिंता नहीं होगी उसको, जो दुख नहीं होगा, दौर मनस से नहीं आएगा, श्वास प्रश्वास कंपन ये नहीं होगा, क्षुब्ध नहीं होगा, वो ठीक चलता रहेगा। ईश्वर का अभ्यास कर रहा है, ईश्वर पे छोड़ दिया, एक तत्व का अभ्यास किया। भाष्य देखिए, विक्षेप प्रतिषेधार्थम, विक्षेपों के प्रतिषेध के लिए, रोकने के लिए एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत। एक तत्व है आलंबन जिसका, ऐसे चित्त का अभ्यास करें, अर्थात चित्त को उस स्थिति में लाए कि एक ही तत्व उसका आलंबन रहे। अभी जैसे हम कुछ भी देखते हैं सुनते हैं, तो ये वो चीजें हमारे लिए आलंबन कहलाती हैं। कभी वृक्ष को देखा, व्यक्ति को देखा, रोटी को देखा, वाहन को देखा, भवन को देखा, ये जिस जिस को हम देख रहे हैं वो आलंबन कहलाएगा। और उस आलंबन को जब हम इंद्रियों से, इंद्रियात सन्निकर्ष होता है तो मन भी वहीं पर ही रुक जाता है। तो यहां क्या कहा? विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसे, चित्त को एक ही वस्तु के में आलंबित करके और उसका अभ्यास करें, यही टिका करके रखें, वही टिका के रखें। कई बार विक्षोभ इत्यादि होता है तो कोई व्यक्ति कोई पुस्तक पढ़ने लग जाता है रुचि की,
और उस पुस्तक में ही मन को लगा रखा है, उधर से हट जाएगा। कोई किसी से बात करने लग जाता है तो उधर से मन हट जाता है, ये बातचीत में लग गया। कोई फिल्म देखने चला जाता है, कोई समाचार देखने लगता है, कोई सीरियल देखने लगता है, कोई दूसरा कार्य करने लगता है, ऐसे कहीं ना कहीं इधर उधर किसी एक जगह पे। तो जहां हम लगाते हैं तो वो दूसरी जगह से मन हट जाता है। ये तो एक लौकिक व्यवहार सामान्य स्थितियों के अंदर है, और बाकी यही चीज अच्छे ढंग से होती है तो ईश्वर को लेकर के किया जा सकता है। तो विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत, ये सूत्रार्थ हो गया, सूत्र का तात्पर्य समझा दिया इन्होंने। अब आगे का जो भाष्य है वो एक दूसरे बिंदु को लेकर के है, इससे जुड़ा हुआ बिंदु है कि भाई एक तत्व का आलंबन किया, इसका मतलब एकाग्रता बनी। तो एकाग्रता होती है या नहीं होती है, एकाग्रता किसकी होती है, अलग अलग मान्यताएं हैं, और एकाग्रता कहां संभव है कहां संभव नहीं है, इस विवेचना के लिए, दार्शनिक विवेचना के लिए आगे का वर्णन है। तो कहते हैं कि यस्य तु, यस्य मतलब जिसके, तो जिसके मत में, किसी और के मत में, प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्ति एव विक्षिप्तम। जिसके मत में प्रत्यर्थ नियत चित्त है, यहां देखिए चित्त शब्द जो है वो तीन जगह जोड़ना है, प्रत्यर्थ नियतम चित्तम, प्रत्यय मात्रम चित्तम, क्षणिकम च चित्तम, तीन मत हैं ये जिनका कि ये निषेध करेंगे। जिसके मत में ये है कि चित्त प्रत्येक अर्थ में नियत है, अर्थ मतलब वस्तु आलंबन, उसके लिए नियत है, निश्चित है। क्या तात्पर्य हुआ कि हम इस वृक्ष को देख रहे हैं तो उस वृक्ष को देखने के लिए एक अलग चित्त है, हम इस दूसरे वृक्ष को देख रहे हैं इसको देखने के लिए अलग चित्त नियत है, एक व्यक्ति को देख रहे हैं उसके लिए अलग चित्त है, पत्थर को देख रहे हैं उसके लिए अलग चित्त नियत है, निश्चित है। प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग चित्त हैं, इसका तात्पर्य क्या निकलेगा, जितनी वस्तुएं हैं, जितने अर्थ हैं, विषय हैं, उतने ही चित्त हैं, सबके लिए अलग अलग नियत है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए, तो जितनी वस्तुएं विषय हैं उतने ही चित्त माने जाएंगे। तो यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम चित्तम, जो ये मानता है कि प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग चित्त नियत है, निश्चित है, एक चित्त से दूसरी चीज नहीं जानी जाएगी, ऐसा है तो तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, फिर तो उसके सारे चित्त ही एकाग्र होंगे, होंगे या नहीं भाई। एकाग्रता नहीं है वो तो तब आएगा, इस स्थिति में तो कह ही नहीं सकते कि एकाग्रता भंग हो रही है, क्योंकि जितने विषय हैं उतने ही चित्त हैं और वो चित्त नियत है, इसका मतलब है एक चित्त में एक ही अर्थ है, अभी एक चित्त ने एक ही विषय को बना रखा है अपने, तो प्रत्येक एकाग्र हो गए ना सारे चित्र, एक ही तो जगह टिके हुए हैं। तो बोले जो ऐसा मानते हैं उनके मत में तो उनके सारे चित्त एकाग्र ही हैं, वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एकाग्र ही है पहले से, स्वाभाविक है, पहले से ही एकाग्र है, अब करना क्या है। और नास्ति एव विक्षिप्तम, उसमें उनका चित्र विक्षिप्त ही नहीं है, इधर उधर जा ही नहीं रहा है कहीं, विक्षेप जो हमने क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध है, तो विक्षेप का मतलब जहां है टिकाना चाहते हैं वहां नहीं, कहीं और जा रहा है मन, ये इसको विक्षेप कहते हैं, जब मुख्य चीज है वहां ना होकर के इधर उधर होना, इसको विक्षेप बोलते हैं। तो उसका तो कोई चित्त विक्षिप्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्यर्थ नियत है, प्रत्येक वस्तु में नियत है, तो उसको तो कुछ प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है, उसके तो सारे चित्त ही एकाग्र हैं, तो उसका तो ये प्रसंग ही नहीं बनेगा। इससे प्रकारांतर से उस पक्ष को खंडित कर रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता के लिए प्रयास किया जाता है, हम करते हैं, एकाग्रता बनती है, इससे पता लगता है कि चित्त प्रत्यर्थ नियत नहीं है, खंडन कर रहे हैं, आक्षेप व्यंग के रूप में कह रहे हैं कि ऐसा है तो फिर तो उनका सभी का चित्र एकाग्री हो गए, सारे चित्र एकाग्री होंगे उनके। दूसरा देखिए, प्रत्यय मात्रम चित्तम, कोई कहे कि नहीं चित्त अलग से कोई वस्तु अंतःकरण तो है नहीं, बस ये जो ज्ञान है, प्रत्यय यानी ज्ञान, बस यही चित्त है,
प्रत्यय ही चित्त है और वो प्रत्यय रहेगा तो बस एकाग्र रहेगा उसका। वो चित्त को नहीं मानते, अभी हम क्या मानते हैं, चित्त अलग है प्रत्यय अलग है, अलग से मतलब गुण गुणी का भेद है। चित्त में प्रत्यय होता है, चित्त में ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान अलग है चित्त अलग है, अलग अलग मतलब अलग अलग रखे हैं इस रूप में नहीं, लेकिन एक ही में है, उसी में है, लेकिन एक अधिकरण है और एक उसमें रहने वाला है ज्ञान। लेकिन जो कहता है कि नहीं चित्त नाम की चीज ही नहीं है अलग से, बस ज्ञान है, विज्ञान मात्र जो माना जाता है, जो केवल विज्ञान विज्ञान ज्ञान ज्ञान ही मानते हैं और कुछ नहीं है चित्त अलग से। कई जने चित्त की परिभाषा करते हुए कि चित्त क्या है, बस विचारों का समूह है, विचार कर रहे हैं इधर उधर विचार, बस यही तो चित्त है, उसको चित्त नाम दे दिया। यानी चित्त को वो एक अंतःकरण नहीं मान रहे, वो विचार मात्र को मान रहे हैं। ऐसे ही जो ज्ञान मात्र मान रहा है, प्रत्यय मान रहा है, उसके भी सर्वमेव चित्तम एकाग्रम। जब प्रत्यय ही चित्त है तो ठीक है, वो तो एकाग्र ही होगा, हर ज्ञान एक समय में एक ही ज्ञान होता है, वो एकाग्र ही होगा, और क्या होना है। कुछ और आक्षेप भी बताएंगे आगे, और आगे का क्षणिकम च चित्तम। और जिनके मत में, क्षणिकवादियों के मत में, चित्त भी क्षणिक है। क्षणिक का मतलब प्रथम क्षण में उत्पन्न होगा, दूसरे क्षण में रहेगा, और तीसरे क्षण में स्वसमान की उत्पत्ति करके नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरा चित्त आ जाएगा, दूसरा बन गया, फिर तीसरा आ जाएगा, ऐसे बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं। चित्त क्षणिक है, दीर्घ स्थायी नहीं है। तो उसने जब एक क्षण के लिए वो रहा, उस समय उसने किसी वस्तु को देखा, जाना। अब दूसरी वस्तु को तो वो जान ही नहीं पाएगा, तब तक तो वो मर जाएगा, दूसरा चित्त आ जाएगा, फिर दूसरा चित्त कुछ जान रहा है, फिर वो दूसरा चित्त कुछ और देख पाए, उससे पहले तो उसकी मृत्यु आ जाएगी, फिर तीसरा चित्त उत्पन्न हो गया, वो अगली चीज को जान रहा है। तो जो चित्त क्षण क्षण रहा, बहुत थोड़ी देर रहा, वो एक समय में एक ही वस्तु को जान रहा है, और एक ही वस्तु को जान रहा है तो वो एकाग्र ही हो गया। क्षणिक चित्त में भी एकाग्र ही हो जाएगा, हर चित्त एकाग्र ही है, फिर तो आपको एकाग्रता का प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, एकाग्र है ही, स्वाभाविक रूप से वो एकाग्र ही होगा, क्षणिक होगा, एक के साथ एक, एक के साथ एक जुड़ा हुआ होने से वो एकाग्र ही कहलाएगा, उसमें विक्षेप होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये तीन इन्होंने संकेत किए मत को, और उनको खंडन करने की दृष्टि से यहां पर लिखा है, उसका निषेध किया जा रहा है। तो नास्ति एव विक्षिप्तम। अब इन तीनों में से जो पहला वाला है प्रत्यर्थ नियत, उसकी आलोचना कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं। यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य, अगर कोई ये कहे किस पक्ष के अंदर, जिसमें प्रत्यर्थ नियत है चित्त, जितनी भी वस्तुएं हैं उतने ही चित्त हैं, तो बोले उसमें तो हर चित्त एकाग्र ही होगा, यहां तक जो बात आई, तो बोले आपके यहां तो फिर एकाग्रता संपादन की कोई बात ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है। उस पर यदि कोई ये कहे कि यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन अर्थे समाधीयते, बोले हमारे पक्ष में भी एकाग्रता तो हो जाएगी, क्या एकाग्रता होगी हमारे पक्ष के अंदर, तो बोले जो चित्त अलग अलग जगह पर लगा हुआ है, अलग अलग चित्त अलग अलग जगह लगे हुए हैं, उन सब चित्तों को एक जगह पर एक वस्तु पर टिका देना। प्रत्यर्थ नियत पक्ष में क्या होगा, मान लो 100 वस्तुएं हैं तो 100 ही चित्त हैं, 1,01,00,000 वस्तुएं हैं तो 1,01,00,000 ही चित्त हुए, ये तो उनका पक्ष हो गया। अब उन पर आक्षेप यह है कि भाई आपके यहां पक्ष में तो कोई एकाग्रता बनी नहीं सकती है। नहीं, एकाग्रता है ही, हर चित्त की एकाग्रता ही है, फिर एकाग्रता का आप क्या करोगे, एकाग्रता संपादन से आपका मतलब क्या है। तो कोई ऐसा कहे कि ये जो 1,00,00,000,000 चित्त थे जिनके विषय अलग अलग थे, ये सारे चित्त उन अलग अलग विषयों को छोड़ करके एक ही विषय पे आके इकट्ठे हो गए, ऐसा यदि कोई कहे एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए कि नहीं हमारे पक्ष में भी एकाग्रता होती है, एकाग्रता के लिए साधना की जाती है, ऐसा यदि कोई कहे तो, उस पक्ष में बोल रहे हैं। तो यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य, सब ओर से खींच करके ला करके, हर चित्त अलग अलग जगह लगा हुआ है तो उनको जहां जहां लगे हुए थे वहां वहां से चित्त को ला करके प्रत्याहृत वापस लौटा करके, एकस्मिन अर्थे समाधीयते, किसी एक ही वस्तु में टिका देता है, सब चित्तों को एक ही जगह टिका देता है, हमारे पक्ष में ये एकाग्रता है, ऐसा यदि कोई कहे तो। ठीक है, एकाग्रता और तरह तो बन नहीं सकती,
उसने प्रयास किया कि मैं ऐसे बोल देता हूं कि इस तरह एकाग्रता होती है हमारे पक्ष में। एकस्मिन अर्थे समाधीयते, तो कहने तदा भवती एकाग्रता, तदा भवती एकाग्रम, तब वो एकाग्र होता है। तो कहें इत्यतो न प्रत्यर्थनीयतम, तो फिर जो आपका सिद्धांत था कि ये चित्त तो प्रत्यर्थनीयत है, वो तो रहा नहीं आपका, फिर प्रत्यर्थनीयत कहां हो गया, ये तो सारे चित्त हट करके एक ही जगह पे आ गए, यानी ये अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत बोल गया, अपने सिद्धांत के विपरीत बोल गया, जो उसका सिद्धांत था उस सिद्धांत के विपरीत बोल गया एकाग्रता को सिद्ध करने के प्रयास में। एकाग्रता तो होती है और साधना तो वो लोग भी करते हैं, ये असमंजस था उनके सिद्धांत में और व्यवहार में, उसके लिए ऐसा प्रयास करके उत्तर दे देते हैं, लेकिन इससे उनका मूल सिद्धांत ही खंडित होता है, फिर तो प्रत्यर्थनीयत रहा नहीं, कम से कम एकाग्रता के समय तो प्रत्यर्थनीयत नहीं रहा। प्रत्यर्थनीयत का मतलब यह होगा कि हर समय वो चित्त उसी वस्तु के साथ जुड़ा रहे, जब आप एक वस्तु में ले आए हो तो कम इस समय तो प्रत्यर्थनीयत नहीं है, आपकी प्रतिज्ञा के विपरीत चला जाएगा, सिद्धांत के विपरीत जाएगा, इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। दूसरा प्रत्यय मात्र, प्रत्यय मतलब तो ज्ञान, तो वही ज्ञान बना रहना एकाग्रता को कैसे बताएगा, वो कहेगा कि चित्त तो है नहीं केवल ज्ञान मात्र है, अब ज्ञान मात्र है इसमें वो एकाग्रता किस तरह से सिद्ध करेगा, एकाग्रता का स्वरूप क्या हो सकता है उसका, तो उसको बताते हुए निषेध कर रहे हैं। बोले योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते, सदृश प्रत्यय के प्रवाह से, सदृश मतलब समान, प्रत्यय यानी ज्ञान विचार का प्रवाह लगातार चला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होना, एक ही जैसा चाहिए, एक ही जैसा विचार ज्ञान लगातार चल रहा हो, उससे कोई चित्त को एकाग्रता मानता है तो, कि मान लीजिए दीपक को देख रहे हैं, अब दीपक को देख रहे हैं, देखा ये दीपक है, फिर दीपक है, दीपक है, दीपक है, दीपक है, इसकी ये लौ है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसी को ही देख रहे हैं बार बार, ये है सदृश प्रत्यय प्रवाह, समान ज्ञान चल रहा है, ये ऐसा ही है, ये दीपक ऐसा है, ये ऐसा है, बस वही वही चलता है। और विसदृश प्रत्यय प्रवाह क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, कभी लौ को देखा, कभी उसको देखा, कभी पास की जमीन को देखा, कभी दीदर बल्ब देखा, कभी खिड़की देखी, कभी व्यक्ति देखा, ज्ञान का प्रवाह तो अभी भी चल रहा है, विचार तो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये विसदृश है, समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, कभी इनको देखा, कभी उनको देखा, कभी उनको देखा, ये विसदृश ज्ञान का प्रवाह, कभी इधर देखा, कभी उस पेड़ को देखा, इस पक्षी को देखा, इसको सुना, उसको सुना, उसको सुना, अलग अलग, इस सब में ज्ञान का प्रत्यय का प्रवाह तो चल रहा है, लेकिन ये भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो जो चित्त को तो नहीं मानते लेकिन ज्ञान को मानते हैं, अब उनके पक्ष में एकाग्रता क्या बन सकती है, तो बोले सदृश प्रत्यय का प्रवाह चल रहा हो, ये एकाग्रता होगी। अगर हम अलग अलग विषयों को जान रहे हैं तब तो एकाग्रता नहीं कहलाएगी, और जब हम एक ही विषय को जान रहे हैं, ज्ञान एक ही वस्तु का बना हुआ है लगातार, इसको हम एकाग्रता कह देंगे, ऐसा कोई कह सकता है इस पक्ष में, जो कि प्रत्यय मात्र मानता है, चित्त को उपकरण को नहीं मानते। तो यो भी सदृश प्रत्यय प्रवाह है ना चित्तम एकाग्रम मन्यते, अब उसको कह रहे हैं तस्य एकाग्रता, उसकी एकाग्रता दो तरह से हो सकती है, तो उसको दोनों पक्षों को ले रहे हैं, तस्य एकाग्रता यदि, संभावना में बोल रहे हैं, अगर प्रवाह चित्तस्य धर्मः, प्रवाह रूपी चित्त का धर्म है, चित्त अलग से मान नहीं रहा है, ये ज्ञान ही है, बस ज्ञान मात्र ही है, लेकिन उस चित्त नाम से कहना कहता भी है तो वो इसके प्रवाह मात्र को कहेगा, तो तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त से, ज्ञान का प्रवाह रूपी जो चित्त है उसी की, अलग से चित्त नहीं में कह रहे हैं यहां पर चित्त शब्द को लिखते हुए भी, क्योंकि इनका पक्ष यह है कि केवल प्रत्यय प्रत्यय रहेगा, तो यदि प्रवाह चित्त से धर्म, ये जो चित्त का ये प्रवाह जो चल रहा है ज्ञान का, उसका धर्म है, तो धर्मस तद एकम नास्ति, तो वो तो एक नहीं है फिर आपके मत में, एकाग्रता में एकत्व तो आना चाहिए, ये जो प्रवाह चल रहा है यही एक है, यही एकाग्रता है, ऐसा कोई कहे तो वो ठीक नहीं है। तो यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म तथा एकम नास्ति, तो वो एक ही नहीं है, क्यों नहीं है एक, तो उसके लिए हेतु दिया प्रवाह चित्तस्य क्षणिकत्वात्, ये जो प्रवाह चित्त है, प्रवाह रूपी चित्त है, चित्त नहीं,
प्रवाह रूपी चित्त ज्ञान का जो क्रम बन रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, यदि वो ही चित्त है तो वहां पर तो एकाग्रता हो नहीं सकती क्योंकि वो तो क्षणिक है। जब प्रवाह चित्त की बात कर रहे हैं तो एक विचार आया, एक प्रत्यय आया, उसके बाद में दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा, ये जो एक के बाद एक आता जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ? पीछे वाला हटता जा रहा है, पहला हटा, दूसरा आ गया, दूसरा हटा, तीसरा आ गया, तीसरा हटा, चौथा आ गया, एक के बाद एक आते जा रहे हैं, तो ये हुए तो क्षणिक ही। तो यदि प्रवाह चित्त का ही धर्म है ये, तो उसमें तो एकम नास्ति, वो एक नहीं है, क्योंकि प्रवाह चित्त तो क्षणिक है, ये था ये था ये था ये था, तो आप एकाग्रता कैसे कह रहे हो इसको? ये तो भिन्न भिन्न हो जाएगा, एकाग्रता एक चीज है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया। तो प्रवाह का धर्म नहीं हो सकता क्योंकि प्रवाह एक जैसा नहीं है, वो भिन्न 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 आ रहे हैं। आगे अब कोई कहने लगे पूरे प्रवाह का नहीं, अतः प्रवाहांशस्य एव प्रत्ययस्य धर्मः, ये प्रवाह का जो अंश है एक भाग है, एक जैसे चैन श्रृंखला होती है लंबी, वो नहीं, उसका बस एक ही भाग, उसमें हम एकाग्रता कहेंगे। यदि कोई कि प्रवाह के अंश को प्रवाहांशस्य एव प्रत्ययस्य एकाग्रता प्रत्ययस्य धर्मः, ये जो एकाग्रता है ये किसका धर्म है? जो प्रत्यय विचार ज्ञान एक के बाद एक चल रहे हैं उसका जो एक अंश है, मतलब सबसे छोटे से छोटा अंश है एक विचार, ये उसका यदि धर्म है ऐसा कोई कहे तो उससे पूछते हैं, प्रवाह के अंश का ही अगर ये धर्म है, प्रत्यय का ही धर्म है ये, प्रवाह का अंश का प्रत्यय का ही धर्म है, तो पूछ रहे हैं सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रभावी वा, तो वो जो प्रत्ययों का प्रवाह है, ज्ञान का प्रवाह है, वो चाहे सदृश प्रत्यय वाला हो चाहे विसदृश प्रत्यय वाला हो, अगर आप एक एक क्षण के अंदर एक एक भाग को ही एकाग्रता धर्म वाला कह रहे हैं, तो चाहे वो एक ही वस्तु को बार बार देख रहा है, एक ही वस्तु का ज्ञान हो रहा है, या अलग अलग का हो रहा है, कोई सा भी मान लो, वो तो सभी जगह एकाग्र ही होगा यदि अंश को लेने हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही वा, वो सदृश प्रत्यय का प्रवाह हो अथवा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा, भिन्न भिन्न ज्ञान का प्रवाह चल रहा हो, प्रत्यर्थ नियतत्वात् प्रत्येक अर्थ के लिए नियत होने से एकाग्र एव भवति, एकाग्र ही होता है। विक्षिप्त चित्तानुपपत्ति, उसके पक्ष में तो विक्षिप्त चित्त की स्थिति ही नहीं बनेगी, वो कह ही नहीं सकता कि ये चित्त विक्षिप्त है और मेरे को एकाग्र करना है, उसका तो हर चित्त एकाग्र ही होगा। प्रवाह का अंश जब देख रहे हैं वो सब एकाग्र ही होगा। तस्मात एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम इति, इसलिए चित्त कैसा है ये सिद्धांत पक्ष रखा जा रहा है। तस्मात एकम, एक है वो, संख्या में एक है, चित्त एक ही है, अनेक नहीं है। एकम अनेकार्थम, अनेक अर्थ वाला, एक ही चित्त भिन्न भिन्न चीजों को जानता है, अनेक अर्थ होते हैं, जितने भी अर्थ हैं वो सब उसी एक ही चित्त के विषय बनेंगे, अनेक अर्थों वाला, अनेक अर्थों को जानने वाला ये चित्त होता है। तो एकम अनेकार्थम और अवस्थितम, रहता है लंबे समय तक रहता है, क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है चित्त, क्षणिकता का भी निषेध करें तो एक है और एक ही अनेक वस्तुओं को जानता है और अवस्थित है, बना हुआ रहता है, नष्ट नहीं होता है ऐसे। एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम इति, आगे यदि च चित्तेन एकेन अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यय जायरन, यदि एक ही चित्त में, चित्तेन एकेन एक ही चित्त के द्वारा या उसके माध्यम से अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यय, अनन्वित एक दूसरे से असंबद्ध जुड़े हुए नहीं है, स्वभाव भिन्ना स्वभाव में परस्पर अलग अलग हैं, प्रत्यय जायरन ऐसे ज्ञान यदि उत्पन्न होते रहे अतः कथम अन्यत, कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत, यदि यू को ये माने कि चित्त में अलग 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 बस उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, ऐसा कोई माने, इसको क्षणिक वाले से भी ले लेते हैं, चित्त को भी जोड़ते हैं, अलग 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 उत्पन्न होते जा रहे हैं, तो कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत, अब चित्त तो अलग अलग हो गए, पहले वाले चित्त ने जो देखा था उसका अनुभव किसको होगा? उसी को होगा, उसी को तो होगा, इस पक्ष में ये आत्मा को नहीं मानते, ये ध्यान, ये भी ध्यान रखना,
और आत्मा को मानेंगे तो उसको भी क्षणिक ही मानेंगे वो। तो जिस चित्त ने देखा, सूंघा, चखा, जो भी काम किया, जो भी ज्ञान प्राप्त किया, वो अब वो मर गया, तो जो अगला चित्त है उसने दूसरा ज्ञान प्राप्त किया, तीसरे ने तीसरा प्राप्त किया, अलग अलग किया। तो ये जो सब अलग अलग हैं, ये किस, इनके पास किस चीज का ज्ञान रहेगा, जो इन्होंने अनुभव किया है बस। तो पीछे वाले का तो अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे हम एक दूसरे के जाने हुए का स्मरण नहीं कर पाते, आपने देखा है तो आप ही स्मरण करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा उसको, मेरे को क्या पता। मैंने जो देखा सुना है उसका आप स्मरण नहीं कर सकते, तो उस यात्रा में गए थे वहां कौन बैठे थे, कहाँ थे, किनसे मिले थे, आप कहाँ से स्मरण करेंगे, क्योंकि अन्य का अन्य स्मरण नहीं कर सकता। हाँ, हम अपना स्मरण तो कर सकते हैं। तो ऐसे ही यदि ये चित्त अलग अलग हैं, बदलते जा रहे हैं, क्षणिक हैं, तो पहले चित्त ने जो जाना है, दूसरा चित्त तो उसको नहीं जानता है, तीसरा चित्र तो उस पीछे वालों को नहीं जानता है। तो ऐसे में तो फिर किसके देखे हुए का कौन स्मरण हो करता हुआ, यानी कोई नहीं हो सकता। तो कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत, अन्य के देखे हुए का अन्य स्मरण करने वाला कैसे हो, यानी हो नहीं सकता। जबकि हमारा ये प्रत्यक्ष है कि हम पीछे वाली चीजों को स्मरण कर लेते हैं। इसका मतलब है एक कोई चीज है जो लगातार चल रही है, ये चित्त की दृष्टि से कह रहे हैं, उन पे आक्षेप दिया है। अन्य प्रत्ययोपचितस्य, अन्य प्रत्ययोपचितस्य है या चितस्य लिखा हुआ है, चित्तस्य, चित्तस्य ज्यादा ठीक है। अन्य प्रत्ययोपचितस्य च कर्माशयस्य अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवेत, भिन्न प्रत्यय के द्वारा संचित, उपचित कहते हैं इकट्ठा होना, एकत्रित होना, अन्य प्रत्यय के द्वारा उपचित जो किया है कर्माशय, उसका अन्य प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय उपभोक्ता भवेत, आपके पक्ष में ये दोष आएगा। इसको कर्मफल में दोष क्या माना जाता है, अकृत का अभ्यागम, ये जो यहां सीधे सीधे शब्द है कि दूसरे के किए हुए का दूसरा भोक्ता हो जाए, मतलब अकृत का अभ्यागम, अकृत की प्राप्ति, जो दूसरे वाले ने किया नहीं है वो उसको प्राप्त होने लगेगा। तो कर्माशय से अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवेत, और कथनचित समाधीयमानम अपि, किसी तरह से वो अगर वो समाधान भी करे, समाधान कर नहीं सकता है, लेकिन जैसे तैसे जोड़ तोड़ से कोई करे भी तो क्या होगा, तो कथनचित समाधीयमानम अपि एतत् गोमय पयसीय न्यायम आक्षेपति, गोमय पयसीय एक न्याय है उसका आक्षेप कर देता है, पायसीय, गोमय पायसीय, हाँ गोमय पायसीय न्याय यहां पर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आक्षेप होगा। गोमय पायसीय क्या है, गोमय किसको बोलते हैं, गोबर को बोलते हैं, गोबर को बोलते हैं, और पायस किसको बोलते हैं, खीर को या दूध को, दोनों में से जो भी है, खीर को बोलते हैं। गोबर कहां से आता है, गाय से आता है, और दूध या खीर कहां से आती है, गाय से आती है, इसलिए दोनों एक ही है। तो चाहे गोबर खा लो चाहे दूध पी लो, एक ही बात है। ऐसी है नहीं, ये मूर्खता को बताने के लिए होता है, टके शेर भाजी टके शेर खा जा, अंधेर नगरी चौपट राजा, उस तरह का कि कोई विचार ही नहीं है, कहां क्या है कुछ नहीं है, ऐसे ही वही कुछ आप करोगे भी जैसे तैसे, तो ये गोमय पायसीय न्याय यहां पर आ जाएगा, यानी मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।